गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी गाना खजाना बस रोजनी। और कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वहाँ पे आपने देखा ना कि हम लोग का सोसाइटी में किस तरह से मतलब पीछे साइड में बहुत ज़्यादा पानी पूरा मतलब भर चुका था। और हम लोग तो चलो मतलब 9th फ्लोर में रहते हैं, मतलब नीचे पार्किंग एरिया में पानी पूरा भर चुका था। और दिक्कत ये है ना कि आज मैं आप लोग के लिए कुछ वीडियो नहीं बना पा रही, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालती हूँ। तो आज भी जो भी प्रॉब्लम है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा बैटरी भी ज़्यादा नहीं है, बस 10% ही है, तो बस थोड़ी देर ही मैं बात कर पाऊँगी। तो कल से हम लोग का ना करेंट भी नहीं है, और कल हाँ शाम से पानी भी मतलब नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब करेंट नहीं है तो पानी किस तरह से आएगा, तो पानी भी नहीं है तो मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है। और शायद मैं भी नीचे पे पानी हो सकता है, लेकिन 9th फ्लोर तक क्योंकि लिफ्ट भी बंद है, करंट नहीं है, तो इस वजह से मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। तो मेरा मोबाइल भी चार्ज ख़त्म होने वाला है, बस 10% ही बाकी है, तो मैं क्या ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ मुझे समझ नहीं पा रही। बट हाँ इतना है कि कल मैंने आप लोग को मैंने कहा था कि प्लीज़ हम लोग के लिए प्रे कीजिए, और शायद आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ किए होंगे, तो इस वजह से पानी जितना पीछे तरफ था ना वो पूरा सूख चुका है। मैं आप लोग को थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा दूँगी, ठीक है। तो पानी सूख गया है, और जो भी आदमी लोग का मैं दिखाई थी ना कल का वीडियो में, अगर आप लोग जो भी नहीं देखे तो मेरा लास्ट हाँ लास्ट वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरह से पानी फुल हो गया था। और बहुत सारे लोग ना अपना मतलब घर आधा आधा पानी में डूब चुका था, तो वो लोग छत के ऊपर जाके बहुत देर तक वो लोग थे। तो अभी पानी पूरी तरह से सूख चुका है, और चलो आप लोग का दुआ भी काम आया, और आप लोग को सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि वो कहते हैं ना कि एक बंदा नहीं लेकिन अगर सारे बंदे अगर भगवान को बुलाए ना तो भगवान ज़रूर देखते हैं और सुनते हैं। तो आप सबको मेरी ओर से दिल से थैंक यू, और इसीलिए ही मैं आज वीडियो में आई कि आप लोग को मैं थैंक यू बोल दूँ कि आप लोग को दुआ हम लोग का काम आया। और हाँ ये भी प्रे कीजिए कि हम लोग का सोसाइटी में अभी करंट नहीं है कल से, और पानी नहीं है। करंट तो चलो ठीक है आदमी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पानी तो ज़रूरत है ना, तो वही थोड़ा सा भी टेंशन हो रहा है कि अभी पता किए तो वो लोग बोल रहे हैं कि शाम तक करंट और पानी दोनों आ जाएगा बोल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए भी दुआ कीजिए कि आज शाम तक पानी और करंट आ जाए। चलो करंट का ठीक है, लेकिन पानी कम से कम आ जाए। तो आज का वीडियो इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाऊँगी, बट मुझे आप लोग को थैंक यू बोलना था, तो इसलिए मैं आज आप लोग को बस ये छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करी। आई होप कि आप लोग को मेरी प्रॉब्लम को आप लोग समझ सके, और जैसे ही करंट और पानी आता है तो मैं नेक्स्ट जिस तरह से वीडियो आप लोग के लिए बनाती थी मैं उसी तरह से ही वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और हाँ मतलब मैं मेरी जमशेदपुर एरिया नहीं और भी बहुत सारे एरिया न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे हैं जिधर की बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ आ रही है। प्लीज़ उन सब के लिए हम लोग सबको ही मिल के अगर दुआ करेंगे ना तो जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यार मतलब बहुत मेहनत से वो लोग घर बनाए रहते, बहुत मेहनत से वो लोग एक छोटे छोटे सामान वो लोग मतलब घर पे किए रहते हैं, और एक पल में अगर पानी आके घर पे घुस जाए, घर धस जाए, तो फिर उन लोग पे क्या बीतता होगा वो हम लोग सबको ही जान सकते हैं ना। तो हम लोग सबको ही मिलके अगर दुआ करेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि सबसे प्यार कीजिए, नफरत करके ना किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो आई होप अगर हाँ मेरी बातें अगर किसी को बुरा लग रहा है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे ख्याल से तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब मैं सबसे प्यार करने बोलती हूँ, तो फिर किसी के नफरत फैला के कुछ नहीं मिलने वाला। तो आई होप मैं नहा ही नहीं हूँ गाइस क्योंकि पानी नहीं है, आई होप कि मेरा शक्ल देख के आप लोगों को गुस्सा ना आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हाँ मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए दिखा देती हूँ कि किस तरह से अभी पानी पूरा सूख चुका है। और हाँ फाइनली फिर से मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग का दुआ हम लोग का जो भी पानी का मतलब इधर पानी पूरा भर चुका था वो ख़त्म हो गया, बस अभी नल में पानी नहीं आ रहा, बस उसके लिए भी दुआ कर दीजिए। तो गाइज आई होप कि मेरा ये छोटा सा मैसेज आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, और
मैं दिखा। तो गाइस ये ना कल दोपहर का टाइम है, इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा कम होते गया, मतलब सूखने लगा, तो थोड़ा सा राहत मिला। राहत इसलिए मिला कि ना पीछे साइड में जो घर सब है वो बहुत ज़्यादा, इधर भी देखिए पूरा डूब चुका था, लेकिन अभी देखिए पानी इस तरह से सूख गया, मतलब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सूख गया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर भी देखिए घर सब भी थोड़ा सा जितना डूबा हुआ था अभी थोड़ा सा घर अभी दिख रहा है, तो इसके लिए ना मतलब थोड़ा सा दिल में भी अच्छा लगा। अरे देखिए गाइस, मतलब मैं अच्छे से हूँ इसका मतलब नहीं कि मेरे सामने कोई दूसरा फैमिली या घर परिवार के लोग मुसीबत में हो, और ऐसे कि हम लोग कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे, तो वो देख के बहुत बुरा लग रहा था गाइस। लेकिन आप लोग ने इतना ज़्यादा दुआ की है कि कल दोपहर तक ही मतलब पानी धीरे धीरे सूखने लगा। और ये देखिए आज इस तरह से है, ये आज का व्यू है, पूरा पानी सूख चुका है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो ठीक है। लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटी में जो पानी और बिजली नहीं है उसके लिए भी मुझे यकीन है आप लोग सबको दुआ करेंगे तो ज़रूर वो भी जल्द से जल्द मतलब ठीक हो जाएगा। और ये सारा घर अभी मतलब अच्छे से है, मतलब पानी सूख चुका है। तो गाइज मतलब प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए कि मतलब जितने एरिया में भी पानी बाढ़ आई है सब कुछ ठीक हो जाए गाइज। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।